दिल कहना में हमारी ट्रेन लगभग 1.5-2 घंटे से रुकी हुई है। स्टेशन का ना नाइट का अलग ही एक मजा होता है भाई, अलग ही व्यू होता है, आराम से वो लाइटें, शानदार व्यू, काफ़ी मज़ेदार होनी आ चुकी है। और मुजफ्फरपुर में जिसका निर्धारित समय था उससे 14 घंटा लगभग ले, रेल मंत्री वैष्णव जी से आग्रह है कि थोड़ा मेल ट्रेनों पर ध्यान दिया जाए क्योंकि बहुत लेट होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी होने वाली है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में, जो टोटल 35 घंटा 15 मिनट की यात्रा होगी। और हमारी ट्रेन थी गोंदिया से 9:15 की, लेकिन हमारी ट्रेन अभी 6 घंटा लेट है, वो हमें 2:15 में यहाँ से डिपार्चर होगी। हो सकता है और भी लेट हो, तो यार काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ेगा हमें गोंदिया में। अभी रात के 1 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है 15:32 गोंदिया बरौनी। इसका डिपार्चर टाइम था 9:15 खुलने का, लेकिन ये ट्रेन खुद 5 घंटा लेट आई है, तो खुलेगी 2:15 में। साफ़ सफाई भी नहीं है ट्रेन में, तो साफ़ सफाई होगी थोड़ी बहुत या होगी भी नहीं, और निकलेगी ट्रेन। हमारी ट्रेन टोटल 1523 किलोमीटर 35 घंटा 15 मिनट में तय करेगी, और ये कई स्टेट से निकलने वाली है। ये महाराष्ट्र से निकलेगी, फिर ये छत्तीसगढ़ जाएगी, फिर ये MP में घुसेगी, फिर UP एंड बिहार होते हुए अगले दिन 8:25 इसका बरौनी पहुंचाने का टाइम है। लेकिन अभी ये 5 घंटा लेट हो चुकी है, देखते हैं कब पहुँचाती है, और लेट होती है या फिर ये टाइम मैनेज करती है। तो चलिए बैठते हैं, मेरा सीट है S4 में 51 अपर बर्थ। यार काफ़ी लंबा समय लेगी ये ट्रेन और काफ़ी लंबी जर्नी होगी हमारी, अभी तक की सबसे लंबी जर्नी होने वाली है। और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 43 की है और मैक्सिमम स्पीड 110 का है। और ये ट्रेन ICF कोच है, और ख़ास करके जो हमारी कोच है वो तो और भी पुरानी कोच है, इसमें चार्जिंग सॉकेट भी नहीं लगा हुआ है। अरे आज के समय में इंडियन रेलवे में चार्जिंग सॉकेट भी ना होना यार आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान के पास 1-2 फ़ोन होता ही है, लेकिन फिर भी एक भी सॉकेट नहीं है। तो आप सोच सकते हो उन पैसेंजर को कितनी परेशानी होने वाली है। और ये ट्रेन टोटल 35 घंटा 36 घंटे में पूरा कवर करेगी, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो मतलब यात्रियों को बहुत परेशानी होने वाली है। वो हो चुकी है और सुबह का 12 बज रहा है अभी, तो लेट से सोए थे तो लेट से उठे हैं। और ये ट्रेन 35 घंटा 36 घंटा की होनी थी, लेकिन अब ये 35-40 घंटा की होने वाली है, क्योंकि ट्रेन ये लगभग 9 घंटा लेट हो चुकी है। देखते हैं ये ट्रेन कब डिपार्चर करती है यहाँ से। यार अलग ही आज की ना इस ट्रेन की जर्नी यार अलग होने वाली है, मतलब हम लोग 1500 लगभग किलोमीटर ना अलग 45 घंटा में कवर करने वाले हैं, मतलब 30 की एवरेज स्पीड से, अब सोच लो यार। बिल कहना में हमारी ट्रेन लगभग 1.5-2 घंटे से रुकी हुई है, और कब खुलेगी कोई पता नहीं है, सिग्नल मिला नहीं है। लोको पायलट भी क्या कर सकता है, उससे भी पूछे हैं तो बताया सिग्नल मिलेगा तभी तो हम जाएंगे, तो बात तो सही है। 2-2.5 घंटे रुकने के बाद हमारी ट्रेन अभी बिलगहना से निकल रही है। अरे हम देख सकते हो Two thousand years later. तो 495 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कटनी, जो इसका समय था मॉर्निंग में 9 के आसपास छोड़ने का, और ये अभी आ रही है शाम में। ये ट्रेन लगभग 10 घंटा लेट है। 495 किलोमीटर तय करने के बाद आ चुके हैं सतना में, जो कि ये ट्रेन अभी 9 घंटा 45 मिनट ट्रेन डिले है। देखते हैं रात में कवर कर पाती है या नहीं। यार काफ़ी ट्रेन लेट चल गया है, मेरी तो लास्ट जर्नी थी इस ट्रेन में, और बहुत टाइम ले लिया इस ट्रेन ने, मतलब यार इतने में ना मैं यार कश्मीर से ना कन्याकुमारी पहुंच जाऊँ जितना ये समय लिया है, मतलब गोंदिया से और ये बरौनी जाने में जितना समय लगाएगी, देख रहे हो भाई। यार ट्रेन की सिग्नल मिल चुकी है इसको, क्योंकि लेट ट्रेन है तो ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक रही है अभी प्लेटफॉर्म पे। सिग्नल मिल चुकी है, तो चलिए निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे आगे।
तो 864 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रयागराज चौक की, जो इसका निर्धारित समय था 3:30 बजे दिन का, और अभी रात के बज रहे हैं, लगभग 1 बजने वाले हैं, फिर आ रही है। लगभग हमारी ट्रेन 9 घंटा लेट है, 12 घंटे ट्रेन लेट थी, लेकिन 2-3 घंटे ट्रेन मैनेज की है, तो अभी 9 घंटा लेट है। देखते हैं हम लोग बरौनी कब पहुँचते हैं। तो आगे अगला स्टेशन मॉर्निंग में 6 बजे लगभग ये वाराणसी पहुँचाएगी। अभी हम जाग रहे होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने ट्रेनों का। स्टेशन का ना नाइट का अलग ही एक मज़ा होता है भाई, अलग ही व्यू होता है, आराम से वो लाइटें, शानदार व्यू, काफ़ी मज़ेदार होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई नाइट ट्रेन जर्नी करने में। आप भी अपनी राय बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में। आपको भी नाइट जर्नी पसंद होगा, आपको कैसा लगता है नाइट जर्नी करने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पर, थैंक यू। और ये ट्रेन अभी प्रयागराज विद्यांचल मिर्ज़ापुर होते हुए ये पंडित दीनदयाली से पीछे कट के निकल जाएगी वाराणसी की ओर, और वाराणसी से फिर ऑनड़ीहार गाजीपुर सिटी होते हुए, हाजीपुर होते हुए ये हमें समस्तीपुर बरौनी जाएगी। रात के 1 बज रहे हैं और स्टेशन में बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। The next day 1175 किलोमीटर तय करने के बाद आ चुके हैं गाजीपुर सिटी, और गाजीपुर सिटी के बाद अगला स्टेशन होगा बलिया। ये ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, 11:30। अब सोच नहीं सकते आप इंडियन रेलवे में इतनी लेट ट्रेन हो, 1-2 घंटा समझ में आता है, लेकिन 11 घंटा 12 घंटा ये पता नहीं यार रेलवे क्या कर रहा है। इस पर हमें लगता है अजनबी वैष्णव जी को ध्यान देना चाहिए और रेलवे पर और काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले स्टेशन पर। ट्रेन अभी छपड़ा आ चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे। यहाँ से कई रूटें गई हैं, अभी तो एक हम लोग बलिया वाले रूट से आ रहे हैं जो हाजीपुर जाएगी छपड़ा होते हुए, और एक जाती है यहाँ से सिवान की ओर, यदि आप गोरखपुर जाते हो तो यहाँ से कट जाती है सिवान के लिए। अभी छपड़ा में अभी लिच्वी आई है जो आनंद विहार से सीतामढ़ी के बीच में चलती है, और इसका रूट पहले वाया दरभंगा होते हुए था और सीतामढ़ी जाती थी, लेकिन इसे बाद में वाया मुजफ्फरपुर होते हुए कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन थी दरभंगा वाले रूट में, तो इसे डायरेक्ट मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए कर दिया गया। नए रेल मंत्री अजनबी वैष्णव जी से आग्रह है कि थोड़ा मेल ट्रेनों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत लेट होती है और आज के समय में लोगों का टाइम में कोई वैल्यू नहीं रह गया है भाई, 12-12 घंटा कोई मतलब नहीं बनता ट्रेन लेट होने का। यदि आप हाजीपुर आते हैं तो यहाँ का केला फेमस है, तो आप यहाँ पर केला ट्राई कर सकते हैं, फेमस यहाँ का केला हाजीपुर का।
पूर्णिया समस्तीपुर बरौनी के रास्ते बरौनी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। गोंदिया बरौनी आ चुकी है और मुजफ्फरपुर में, जिसका निर्धारित समय था उससे 14 घंटा लगभग लेट है। सुबह में इसको 5 बजे आना था, अभी शाम के ये 7 बजे आ रही है। तो यार ये जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 24 घंटे की जर्नी 39 घंटे में हुई है। अलग ही मतलब ये जर्नी था, सबसे अलग। चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।